सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और इन खूबसूरत से पहाड़ों में। आज के वीडियो की शुरुआत 5 बजे से हो रही है शाम के, और लगभग 2-3 दिनों के बारिश के बाद आज हमारे यहाँ पे हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। काले काले बादल लगे हुए हैं, साथ में धूप भी लगी हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ मंडवे की गुड़ाई करने खेतों की ओर। ठीक ऊपर सामने गाँव है और नीचे गाँव से नीचे आ रखी हूँ मैं। तो मैंने तो गुड़ाई कर लिया है, लेकिन हमारे गांव में एक देवरानी है तो उसका बेटा हो रखा है बीमार, तो उसने अभी गुड़ाई नहीं करी थी तो वो हॉस्पिटल जा रखी है अपने बेटे के साथ। तो उसी के साथ गांव की सभी महिलाएं जा रखी हैं गुड़ाई करने। तो होता है हमारे गांव में, हर किसी के गांव में होता होगा, जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है या दुख सुख में है ना, कोई पीछे छूट जाता है तो उसके साथ जाना ज़रूरी होता है। तो ये हर गांव में होता है, हर किसी का दुख सुख देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा आज सभी गांव की बेटी बुआरियां उसके साथ जा रहे हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए, तो मैं भी अभी जा रही हूँ। बाकी के लोग चले गए हैं तो फटाफट मैं भी चलती हूँ। बहुत नीचे हैं भाई इन लोगों के खेत, ये देखो कहाँ ऊपर और कहाँ मैं इतने नीचे आ गई हूँ, इतने नीचे। भाई उधर सभी लोग एक ही खेत में इतने सारे लोग जा रखे हैं ना, अब ये लोग ना ज़रूर मेरे को बोलेंगे कि इतनी देर में आ रही है, ज़रूर बोलेंगे, ये तो मेरे को पक्का पता है। ये देखो भाई कुछ जा रखे हैं नीचे वाले खेत में, कुछ इस वाले खेत में। ये देखो इतना है लोगों का गिफ्ट जाट हो रखा है यहाँ पे। हाय जय कीड़ो गिफ्ट जाट हो। हाँ और ये कुछ नीचे वाले खेत में है। गोड़ा गोड़ा सरासा गोड़ा ये सब गुड़ाई करने वाले, मैं इनकी वीडियो बनाने वाले। इतने क्या बनी तो चलते हैं यार, हम भी फटाफट लगते हैं काम पे, नहीं तो ये मेरे को भी खा जाएंगे। तो अभी हमने ना बहुत सारे खेत गुड़ाई कर लिए, अभी ऊपर वाले खेत में आ गए हैं। यहाँ पे इनको थकान लग गई और यहाँ पे जोंक भी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, और यहाँ पे खेत के किनारे किनारे पानी भी बहुत ज़्यादा है, खरपतवार भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, पर लोग इतने आ रहे हैं कि एक खेत एक मिनट में गुड़ाई कर रहे हैं। बैठ बैठ पर और लेगी, और ऊपर नेहा की मम्मी घास काटने बैठ गई है। सबको थकान लग गई है अभी तो साहब, इतनी गर्मी में भी 2 सलवार पहन रखे हैं इसने। कमर पड़ेगी सभी तो थकान लेगी तो ये लो। के बाद सभी लोग रोड में आ गए हैं, अब जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में। अब ये इनमें से चाय कौन पिला रहा है भाई हमको, बोलो। रेखा दी पिलाएगी, रेखा दी के टाइल से लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि इनका मकान का काम लगा हुआ है ना, इनका टाइल से ले जा रहे हैं, ये चाय पिलाएगी भाई सबको। तो यहाँ पे अभी प्यास भी लग गई है तो सब पानी भी पी रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी। जख उंदी हवा सरारा, ठंडो मीठो पानी धारा, वखी में रुगो जख देवतों का द्वार, देवतों का द्वार। तो भाई यहाँ पे आ रखे हैं रेखा दी लोगों के टाइल्स, जो कि सारे लोग ले जा रहे हैं। कल भी लेके गए थे हम बारिश में रेखा दी, आज भी ये सभी को लगा रही है काम पे, तो सब लोग यहाँ से टाइल्स उठा के भी ले जाएंगे एक एक।
रख रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी एक खेत और है उसमें भी जाना है। तो फिलहाल हम अपने अपने पास के जो टाइल्स हैं सभी यहाँ पे रखते हैं। सब लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे, नीचे वाले खेत में। पैसा दे उनकी जलेबी भाई, आज जलेबी खाऊंगा भाई, क्योंकि सामने पे बन रही है जलेबी। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई तो मागे बहार, फागुन खिलूला हम नीरो पहार। 7 बजने वाली है और अभी फाइनली गुड़ाई भी पूरी हो गई है और सभी लोग ना रेखा दी लोगों के टायर से लेके आ रहे हैं। मेरे पीछे देखो लाइन लगी हुई है, कुछ नीचे कुछ इधर रास्ते में आ रहे हैं। अब इनको ना हम उनके घर पे ले जाएंगे, वहाँ से सीधे जाएंगे गौशाला। तो बहुत अभी थकान लग गई भाई, पसीने से भी हालत ख़राब होगी। यहाँ पे किचन में लगेंगे ये सारे टाइल्स। इन सारे टाइल्स को सभी लड़कियाँ ना गांव की सभी बहुएं कल लेके आई थी और ये छोटे छोटे अभी लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा आफत आ गई नहीं गुड़ाई करने के बाद। हमारा पहाड़ किनारे बेटी बारी, इन सिर बेटी धान मलगीच, खाणी पेणी सब हर चीज। यहाँ पे अभी रेखा जी ने गर्मा गर्म चाय बना ली है, वो भी गुड़ वाली चाय। तो सभी लोग पीते हैं चाय, गुड़ वाली चाय पहाड़ियों को की फेवरेट चाय है, गुड़ वाली है ना, सब लोगों को गुड़ वाली चाय पसंद है। धन्यवाद है चावड़ होना। अभी हम आ गए हैं गौशाला और 7 बज गई है, 7:10 हो गए हैं और वो तो आजकल दिन इतने बड़े हैं कि अभी 7 बजे भी काफ़ी उजाला है। और मेरी दीदी ने भी यहाँ पे भैंस के पास घास डाल रही हैं। आवाज नहीं होनी पता लेगी। यहाँ पे मेरी दीदी की भैंस ने मेरा इतना उजाड़ खवाया भाई। ये देखो दोस्तों, जरा इनको समझा के रखना तुम, ये देखो इन्होंने भैंस को पुछावा मेरे खेत में लगाया, तिरवेल तिरवेल सब खाया उजाड़। वो तो अच्छा ये है कि अभी टाइम है, वो बड़ा हो जाएगा। चलिए जी, आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।